नमस्कार बच्चों, मैं संजीत और आज के इस क्लास में मैं डिस्कस करने जा रहा हूं क्लास 10 की केमिस्ट्री का एक टॉपिक है जिसका नाम है कोरोजन, है ना। तो चलिए फटाफट देखते हैं हम लोग और समझने की कोशिश करते हैं कि व्हाट इज कोरोजन और कोरोजन के कौन कौन से काउजेज है और कोरोजन से हम लोग कैसे बच सकते हैं। तो लेट्स स्टार्ट, है ना। फर्स्ट ऑफ ऑल वी आर गोइंग टू सी द डेफिनेशन ऑफ द कोरोजन। व्हाट इज कोरोजन, तो आइए समझते हैं कि कोरोजन जो है वो क्या है। द ईटिंग ऑफ मेटल्स बाय द एक्शन ऑफ एयर मॉइस्चर और अ केमिकल सच एज एन एसिड ऑन देयर सर्फेस इज कॉल्ड कोरोजन। बहुत लंबा चौड़ा डेफिनेशन है, आपको समझ में नहीं आया कोई बात नहीं, डोंट वरी। क्या कह रहा है, द ईटिंग ऑफ मेटल्स, भैया मेटल्स को खा गया, ये कैसे हो सकता है। द ईटिंग ऑफ मेटल्स बाय एक्शन ऑफ एयर, किसके एक्शन से, एयर के एक्शन से, मॉइस्चर के एक्शन से, या फिर किसी केमिकल के एक्शन की वजह से। यदि किसी ने मेटल को ही कोई खा गया तो इस चीज को क्या कहेंगे, कोरोजन कहेंगे। जैसा कि आप लोग इस पिक्चर में देख पा रहे होंगे, है ना, कि पिक्चर में क्या देख रहा है कि लग रहा है कि इस लोहे के इस पाइप को किसी चूहे ने आकर कुतर गया। तो कोई कुतरा नहीं भैया, ये इसे एटिंग जो किया है वो किसकी वजह से हुआ है, तो ये एयर मॉइस्चर और केमिकल की वजह से ये कोरोजन हुआ है, ठीक है। So reactive metals such as potassium and sodium are kept in kerosene oil to avoid their exposure to the atmosphere. इसी वजह से जो highly reactive metals होते हैं, चाहे वो आपका potassium हो या फिर वो sodium हो, क्योंकि ये दोनों जो है जैसे ही open air में आते हैं atmosphere में burn करने लग जाते हैं, reaction करने लग जाते हैं। इसी वजह से पोटेशियम को और सोडियम को हम लोग किस चीज में डुबो कर रखते हैं, तो केरोसिन ऑयल में डुबो कर रखते हैं, है ना। चलिए फटाफट हम लोग और आगे की चीजों को देखते हैं। तो अभी मैंने जैसा कि आप लोगों को बतला रहा था कि कोरोजन, है ना, तो कोरोजन होने के पीछे तीन चीजें का होना आवश्यक है। कोरोजन के पीछे तीन चीजें हैं। पहला चीज क्या है कि एयर, ठीक है, साथ ही साथ हम लोगों ने क्या देखा, मॉइस्चर, ठीक है, और इसके साथ और क्या हो सकता है, तो केमिकल्स, क्या हो सकता है, केमिकल्स। ये तीन फैक्टर्स है जिसकी वजह से किसी भी मेटल्स का क्या होता है, कोरोजन होता है, ठीक है। जैसा कि आप लोग यहाँ पिक्चर में देख पा रहे हो कि एक लोहे का पाइप है जिसे बीच से देखो किस तरह से लग रहा है कि किसी चूहे ने कुतर कर रख दिया है ना। तो ये जो इसका कोरोजन हुआ है, इसका जो क्षरण हुआ वो किसकी वजह से हुआ है, तो रिस्पॉन्सिबल कौन है, एयर है, मॉइस्चर है, और कौन रिस्पॉन्सिबल है, तो केमिकल्स। बेसिकली केमिकल्स में कौन, एसिड, है ना, ठीक है। हालांकि सॉल्ट की वजह से भी कोरोजन होगा, आगे हम लोग देखते हैं। फैक्टर्स ऑफ गवर्निंग कोरोजन ऑफ मेटल्स, कि फैक्टर्स वो कौन कौन से फैक्टर्स है जिसकी वजह से मेटल्स का क्या होता है, कोरोजन होता है। तो सबसे पहले द कोरोजन ऑफ मेटल्स इंक्रीजेज इन प्रेजेंस ऑफ ऑक्सीजन। यदि हम ऑक्सीजन के प्रेजेंस में किसी भी मेटल को रखेंगे तो बिल्कुल उसका कोरोजन जो है वो ज्यादा होगा, ठीक है। और एब्सेंस ऑफ ऑक्सीजन में रखेंगे, मतलब ऑक्सीजन यदि वहां पे एब्सेंट रहेगा तो उस मेटल का वहां पे कोरोजन नहीं होगा। मेटल्स प्लेस्ड हायर इन द रिएक्टिविटी सीरीज कोरोड मोर इजली। क्या बतला रहा है कि वैसे मेटल्स जो रिएक्टिविटी लिस्ट में सबसे टॉप पर है, जो मतलब कि हाईली रिएक्टिव मेटल्स होते हैं, उनका कोरोजन जो है वो और तेजी से होता है। इसी वजह से मैंने आपको बताया था कि पोटेशियम और सोडियम को हम लोग जो है वो किस चीज में डुबो कर रखते हैं, तो केरोसिन में डुबो कर रखते हैं। नेक्स्ट, द रेट ऑफ कोरोजन इज इनहेंस्ड, कि कोरोजन का जो रेट है वो बढ़ जाता है, कैसे, इवन बाय द डिसॉल्व सॉल्ट्स इन वाटर विच एक्ट्स एज एन इलेक्ट्रोलाइट। कहने का मतलब कि यदि मॉइस्चर की वजह से, वाटर की वजह से, तो जो मेटल्स का कोरोजन तो हो रहा है, साथ ही साथ यदि उस वाटर में सॉल्ट ऐड कर दिया जाए तो उस मेटल का कोरोजन का रेट जो है ना वो और भी ज्यादा बढ़ जाएगा, ठीक है। और यही वजह से है कि आयरन कोरोड्स फास्टर इन सी वाटर, कि समुद्र में, समुद्र का जो वाटर होता है वो कैसा होता है, सॉल्टी वाटर होता है, और सॉल्टी वाटर में लोहे का जो क्षरण होता है, कोरोजन जो होता है वो और तेजी से होता है। तो अब आप लोग अनुमान लगा के बता सकते हो कि क्या टाइटेनिक का रेमिनेंट्स कितना बचा होगा, है ना।
तो आइए, तो कोरोजन हम लोगों ने देखा, अब हम लोग समझने की कोशिश करते हैं कि इस कोरोजन से हम लोग कैसे बच सकते हैं। प्रिवेंशन ऑफ कोरोजन, प्रिवेंशन ऑफ कोरोजन, कोरोजन से हम लोग कैसे बच सकते हैं। तो बैरियर प्रोटेक्शन, मतलब जो मेटल्स है, मेटल्स के बीच में एक कोई बैरियर ले आओ ताकि भैया डायरेक्ट कॉन्टैक्ट में ये नहीं आ सके, है ना। ये मेटल्स है, सपोज दैट हमारा आयरन, तो इसके बीच में एक बॉडी गार्ड खड़ा कर देना है, यानी कि एक बैरियर रख देना है, जिससे ये मेटल यानी कि आयरन जो है वो डायरेक्ट कॉन्टैक्ट में नहीं आए, किसका, एयर का, मॉइस्चर का, या फिर किसी भी केमिकल्स का। तो वही है आपका कॉन्सेप्ट ऑफ बैरियर प्रोटेक्शन। इट इज डन बाय अ कोटिंग ऑफ वन मेटल विद अनदर मेटल। ये जो किया जाता है इसमें क्या, इस प्रोसेस में क्या किया जाता है, कोटिंग किया जाता है वन मेटल का किसके साथ, अनदर मेटल का, विद द हेल्प ऑफ इलेक्ट्रिसिटी, यानी कौन सा मेथड से, इलेक्ट्रोलाइसिस मेथड से, यानी इलेक्ट्रोप्लेटिंग मेथड से, जिसे मैं आज के इस क्लास में डिस्कस करने वाला हूँ। So the metal surface is not allowed to come in contact with the atmosphere agents like air and water. Hence it is protected from corrosion. तो इससे क्या होता है कि जब बैरियर एक आ जाता है ना, तो डायरेक्ट इसके कॉन्टेक्ट में नहीं आ पाता है, और जब कॉन्टेक्ट में नहीं आ पाता तो रिएक्शन नहीं होता, और जब रिएक्शन नहीं होगा तो कोरोजन नहीं होगा, ठीक है। सैक्रिफिशियल प्रोटेक्शन, इलेक्ट्रोपॉजिटिव मेटल सच एज जिंक और मैग्नीशियम आर यूज्ड टू कवर द मेटल टू बी प्रोटेक्टेड। क्या बतला रहा है कि जिंक और मैग्नीशियम का भी यूज किया जाता है, मेटल्स के ऊपर चढ़ा दिया जाता है एक लेयर, जिससे उसका जो है ना वो क्षरण नहीं होता, यानी कि कोरोजन नहीं होता है। दीज मेटल्स बीइंग मोर इलेक्ट्रो पॉजिटिव, ये जो मेटल्स है वो ज्यादा क्या होते हैं, इलेक्ट्रो पॉजिटिव होते। कौन सा मेटल, जिंक और मैग्नीशियम, गेट ऑक्सीडाइज्ड, और ये क्या हो जाते हैं, ऑक्सीडाइज हो जाते हैं, एंड सेव द मेटल फ्रॉम कोरोजन, और ये मेटल्स को कोरोजन होने से बचा लेते हैं, ठीक है। नेक्स्ट, व्हाट इज इलेक्ट्रोप्लेटिंग, अभी मैंने बात चर्चा कर रहा था ना कि व्हाट इज इलेक्ट्रोप्लेटिंग, तो इलेक्ट्रोप्लेटिंग को अब हम लोग डिस्कस करने जा रहे हैं कि इलेक्ट्रोप्लेटिंग जो है वो क्या है। द टेक्निक ऑफ एडिंग अ लेयर ऑफ मेटल टू द सर्फेस ऑफ अनदर मेटल is known as electroplating। क्या कह रहा है कि जिस टेक्निक से हम लोग क्या करते हैं, एडिंग अ लेयर, मतलब एक लेयर चढ़ा देते हैं किस चीज का, मेटल का, दूसरे मेटल के ऊपर। सपोज दैट ये आपका एक मेटल है और इसके ऊपर हमने क्या किया, एक दूसरे मेटल का लेयर चढ़ा दिया, है ना। जैसे इसी के ऊपर हमने एक और दूसरा मेटल का लेयर चढ़ा दिया, तो इसी प्रोसेस को क्या कहा जाता है, इलेक्ट्रोप्लेटिंग कहा जाता है, ठीक है। Typically, this is done to stop metals from rusting. ऐसा हम लोग क्यों करते हैं, तो metals को save करने के लिए, क्या चीज से, तो rusting से, rusting भी हम लोग देखेंगे। And in the case of gold and silver, लेकिन यदि वो metal जो है वो आपका क्या है, gold हो या फिर silver plating किया जाता है, इट इज डन टू मेक द डेकोरेशन लुक मोर ब्यूटीफुल। कभी कभी आप लोग देखते होंगे कि मम्मी लोगों का कुछ ज्वेलरी है, वो एक्चुअल में है वो किस चीज का, सिल्वर का बना हुआ, लेकिन उसके ऊपर जो है वो प्लेट लेयर एक चढ़ा हुआ है किस चीज का, गोल्ड का, और वो गहने जो है वो बिल्कुल कैसा लग रहा है, गोल्डन गोल्डन फील हो रहा है, लेकिन वो एक्चुअली जो ज्वेलरी है वो किस चीज का बना है, तो वो सिल्वर का बना हुआ है ना। तो वो उस चीज को भी वो इसी इलेक्ट्रोप्लेटिंग मेथड से किया जाता है, ठीक है। तो वही कह रहा है, एंड इन द केस ऑफ गोल्ड एंड सिल्वर प्लेटिंग, कि गोल्ड और सिल्वर प्लेटिंग के मैटर में, इट इज डन टू मेक द डेकोरेशन टू मोर ब्यूटीफुल, इसे ज्यादा सुंदर दिखने के लिए और अफोर्डेबल बनाने के लिए। एंड इलेक्ट्रिक करेंट इज इंट्रोड्यूस्ड इन टू अ सॉल्यूशन ड्यूरिंग द इलेक्ट्रोप्लेटिंग प्रोसेस। इस इलेक्ट्रोप्लेटिंग प्रोसेस में इलेक्ट्रिक का होना, इन्हें इलेक्ट्रिक करंट का होना नेसेसरी है, क्योंकि उसी के हेल्प से ये प्रोसेस किया जाता है, कॉजिंग द सॉल्यूशन टू सेपरेट इनटू कंपोनेंट आयंस एंड डिपॉजिट ऑन द इलेक्ट्रोड सरफेस। लेट्स सी द डायग्राम, आप लोग यहां पे गूगल से निकाला हुआ एक पिक्चर है, इस पिक्चर के माध्यम से आप चीजों को समझ सकते हो, ठीक है। सपोज दैट यहाँ पे आप देख रहे हो कि यहाँ पे क्या है, एक मेटल है ना, और इस मेटल के ऊपर हमें एक दूसरे मेटल का लेयर चढ़ाना है, तो जिस मेटल का लेयर चढ़ाना है
हम उसे ऐड करेंगे किस चीज से, कैथोड से, ठीक है। और जिसको हमें जिसके ऊपर चढ़ाना है यानी इसके ऊपर लेयर चढ़ाना है, तो इसे हम कनेक्ट करेंगे किस चीज से, एनोड से। और जब हमें इस जब इस पे हम इलेक्ट्रिक करंट सप्लाई करेंगे है ना, तो इसका एक लेयर जो है ना वो इसके ऊपर आकर वो चढ़ते चला जाएगा, ठीक है। तो इसी प्रोसेस को क्या कहा जाता है, इलेक्ट्रोप्लेटिंग। जैसे यहाँ पे आप लोग देख रहे हो कि यहाँ पे क्या लिखा हुआ, कॉपर प्लेटिंग, यानी कि कॉपर का लेयर जो है ना वो चढ़ाया जा रहा है, ठीक है। नेक्स्ट आइए अब हम लोग देखते हैं कि व्हाट इज रस्ट, कि रस्ट जो है वो क्या है, ठीक है। रस्ट, रस्ट मतलब जंग। व्हेन आयरन इज एक्सपोज टू, कि जब आयरन को एक्सपोज किया जाता है कहां पे, एयर में या मॉइस्चर में, आयरन कन्वर्ट्स टू आयरन ऑक्साइड, तो वो आयरन का जो है ना वो पूरा हुलिया ही जो है वो बदल जाता है, ठीक है। विच इज रेडिश ब्राउन इन कलर, वो पूरा जब मार्केट से आपने लोहे का कोई नेल्स लेकर आया था तो वो बिल्कुल चमक रहा था है ना, लेकिन जब वो मॉइस्चर और एयर के कांटेक्ट में आया तो उसका कलर जो है वो कैसा हो गया, रेडिश ब्राउन कलर। दिस इज रेफर टू एज अ रस्ट, इसी को रेडिश ब्राउन कलर का जो बन गया वो इसी को हम लोग क्या कहते हैं, रस्ट। रस्ट इज हाइड्रेटेड आयरन ऑक्साइड, आपको ध्यान में रखना होगा कि रस्ट जो होता है वो क्या होता है, हाइड्रेटेड आयरन ऑक्साइड होता है। हम लोग इक्वेशन की ओर देखें, 4e+3o2+2xh2o इज इक्वल टू क्या हो गया, Fe2O3 into XH2O, दैट इज रस्ट। ये रस्ट का आपका केमिकल फॉर्मूला है जिसे आपको ध्यान में रखना है, और रस्ट क्या है, हाइड्रेटेड आयरन ऑक्साइड है, ओके। Fe2O3 into XH2O इज द केमिकल फॉर्मूला ऑफ द रस्ट। आइए देख रहे होंगे आप लोग कि जब मार्केट से नेल को लेकर आए थे तो बिल्कुल कैसा था, इस प्रकार का था वो, है ना, बिल्कुल चमक रहा था, लेकिन इस पे अटैक हुआ किस चीज का, ऑक्सीजन का, इस पे अटैक हुआ किस चीज का, मॉइस्चर का, तो फाइनली इसका हुलिया जो है वो पूरी तरह से उसने बदल कर रख दिया, यानी कि इस नेल पे अब क्या लग चुका है, इस नेल के ऊपर तो ये रस्ट लग चुका है ना, ठीक है। और रस्ट का फॉर्मूला Fe2O3 into H2O आपको दिमाग में रखना है, जिसे मैं बार बार आपको समझाने की कोशिश कर रहा हूं। रस्टिंग ऑफ आयरन क्या बतला रहा है इस टॉपिक में, रस्ट इज मेनली हाइड्रेटेड आयरन। मैंने अभी आपको बताया था कि रस्ट जो है वो मेनली क्या है, हाइड्रेटेड आयरन ऑक्साइड है, ओके। द कोरोजन ऑफ आयरन इज कॉल्ड एज रस्टिंग, रस्टिंग भी क्या है, कोरोजन है, रस्टिंग भी क्या है, एक प्रकार का कोरोजन है, कि जब रस्ट लगेगा आयरन के ऊपर तो वो उसका क्या होगा, कोरोजन होगा, ठीक है। और रेडिश कोटिंग इज डेवलप्ड ऑन द सर्फेस ऑफ आर्टिकल्स मेड अप ऑफ आयरन, उसके ऊपर एक लेयर आ जाता है किस चीज का, रेडिश ब्राउन कलर का आ जाता है। वेन इट इज एक्सपोज टू द एटमोस्फेयर, कब, जब वो एक्सपोज रहता है कहां पे, बाहर में खुले में रहता है, कहां, एटमोस्फेयर में। रस्ट इज अ रेड ब्राउन कलर्ड सब्सटेंस, बार बार मैं एक ही चीजों को रिपीट कर रहा हूं। नेक्स्ट, इट इज नॉट ओनली द आयरन विच रस्ट, कह रहा है कि न केवल आयरन के ऊपर रस्ट लगता है, इवन द स्टील रस्ट, बल्कि स्टील की चीजों के ऊपर भी रस्ट लगता है, कब, यदि उसे एक्सपोज करके रखा जाए कहां पे, डैम्प एयर में, है ना। बट स्टील रस्ट लेस रैपिडली देन आयरन, लेकिन आपका जो स्टील है वो बहुत स्लोली उसमें रस्ट लगता है, किसके कंपैरिजन में, तो आयरन की तुलना में। आप लोग देख रहे होंगे कि लोहे की एक कील है, बहुत सारी कील है, और उसका हुलिया कैसा हो गया, ये ऐसा इस वजह से हुआ क्योंकि इसके ऊपर क्या लग गया, रस्ट लग गया, ओके। रस्ट इज एन ऑक्साइड ऑफ द मेटल, रस्ट जो है वो उस मेटल का क्या होता है, ऑक्साइड होता है, फॉर्म बाय द रिएक्शन विद द ऑक्सीजन प्रेजेंट इन द एटमोस्फेयर। और वो ऑक्साइड जो है वो कैसे बनता है, तो एटमोस्फेयर में जो आपका ऑक्सीजन प्रेजेंट होता है उसी के वजह से वो उसका ऑक्साइड बन जाता है और उसका कलर वगैरह चेंज हो जाता है। आइए अब हम लोग एक एक्टिविटी देखते हैं, है ना। एक्टिविटी क्या कह रहा है, टेक 3 टेस्ट ट्यूब्स, हम लोग सबसे पहले क्या करते हैं, 3 टेस्ट ट्यूब लेते हैं एंड लेबल देम एज ए बी सी। इन टेस्ट ट्यूब ए, फर्स्ट ट्यूब जिसे हम लोगों ने क्या नाम दिया, ए,
उसमें हम लोग ऐड करते हैं क्या, कोल्ड वाटर इन सेकेंड टेस्ट ट्यूब, जिसका नाम क्या हमने दिया बी। इसमें हम लोग ऐड करते हैं क्या, हॉट वाटर विथ ऑयल, और उसमें हम लोगों ने ऑयल डाल दिया, ठीक है। एंड नेक्स्ट ट्यूब जिसका नाम क्या है सी, इसमें हम लोग कोई वाटर ऐड नहीं करते हैं, और उसके अंदर जो भी मॉइस्चर है उसको हम लोग एनहाइड्रस करने के लिए, यानी डिहाइड्रेट करने के लिए उसमें क्या ऐड कर देते हैं, कैल्शियम क्लोराइड, ठीक है, कैल्शियम क्लोराइड को ऐड कर दिए। और नेक्स्ट स्टेप हमने क्या किया कि तीनों में पुट आयरन नेल्स टू ऑल द टेस्ट ट्यूब्स, कि तीनों टेस्ट ट्यूब में हमने एक एक नेल्स को डाल दिया, एंड कॉर्क ऑल द टेस्ट ट्यूब्स एंड लीव इट फॉर सम डेज। और तीनों को जैसा कि अभी मैंने आप लोग को समझा रहा था थ्योरी में, है ना, कि ये तीन ट्यूब्स मैंने लिया था, टेस्ट ट्यूब ए, ट्यूब बी और ट्यूब सी। इसमें मैंने क्या ऐड किया था, कोल्ड वाटर, है ना, इसमें कोल्ड वाटर, ठीक है, और इसमें मैंने क्या ऐड किया था, हॉट वाटर प्लस इसमें क्या ऐड किया था, ऑयल, और इसमें क्या किया था, नो वाटर, इसमें नो वाटर, ओके। और इसको डिहाइड्रेट करने के लिए हम लोगों ने इसमें क्या डाल दिया था, कि इसके अंदर भी यदि कोई भी मॉइस्चर है तो हम लोग उसमें कैल्शियम क्लोराइड डाल दें, ताकि उसका मॉइस्चर जो है वो पूरी तरह से खत्म हो जाए। और कुछ समय तक जब हम लोग इसको छोड़ देते हैं तो हम लोग क्या पाते हैं, वी ऑब्जर्व दैट आयरन नेल्स इन टेस्ट ट्यूब लेबल्ड ए गेट रस्टेड, मतलब जो टेस्ट ट्यूब वन जो था, है ना, ए, उसका जो नेल्स था वो उसपे रस्ट लग गया। क्यों हुआ, एज इट इज एक्सपोज टू एयर, क्योंकि वो उसे कॉन्टेक्ट मिला किस चीज का, एयर का, और साथ ही साथ किस चीज का, मॉइस्चर का। एंड द आयरन नेल्स प्रेजेंट इन द टेस्ट ट्यूब्स बी एंड सी नॉट रस्टेड, यानी इसमें रस्ट नहीं लगा और इसमें रस्ट नहीं लगा। तो कंक्लूजन क्या निकला, कि सेकेंड वाले में हम लोगों ने क्या एड करके रखा, तो हॉट वाटर प्लस उसमें हम लोगों ने क्या डाल दिया था, ऑयल डाल दिया था, जो क्या क्या ऑयल जो था वो हल्का था, तो वो फ्लॉट कर रहा था, इस वजह से वो एयर को एंट्री नहीं दिया। और ट्यूब नंबर थर्ड यानी कि सी में हम लोगों ने कोई भी एयर को तो रहने ही नहीं दिया, साथ ही साथ मॉइस्चर को हटाने के लिए हम लोगों ने क्या डाल दिया था, कैल्शियम क्लोराइड, जिसकी वजह से नो एयर नो मॉइस्चर। इससे ये प्रूव होता है इस एक्टिविटी से कि किसी भी चीज में, किसी भी मेटल में रस्टिंग के लिए एयर और मॉइस्चर का होना बिल्कुल जरूरी है। चलिए, तो मैं उम्मीद करता हूं कि आपको ये टॉपिक बिल्कुल समझ में आ गया हो, और यदि समझ में आ गया हो तो बहुत कम सेकेंड्स लगेंगे वीडियो को लाइक करने में और अपने दोस्तों के साथ शेयर करने में। बहुत बहुत धन्यवाद।